शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए आप हमारे साथ रिश्ता जोड़े या ना जोड़े, लेकिन मैं आप जैसे शरीफ लोगों को धोखा नहीं दे सकता। वैसे मैं हूँ तो डॉक्टर, लेकिन दो नंबर का धंधा भी करता हूँ, और मेरा भांजा जो है वो तो एक नंबर का छठा हुआ बदमाश है। शराब, जुआ, रेस, ड्रग, सच पूछो तो हम तो आपके खानदान के लायक नहीं है जी। क्या वो झटका लगा आपको? शराफत दिखाने के चक्कर में जोधपुरी कोट पहन रखा था ना, तो इस कोट ने मेरे गले की नली बंद कर रखी थी। और अब ये जो दो नंबर के धंधे की बात कर रहे हैं ना, हम तो डाली तीन चार पांच पता नहीं कहां तक पहुंच चुके हैं। अजी हमसे पुराना विलेन तो कोई है ही नहीं। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है? अरे ये तो कुछ बात नहीं है, मेरा बाप 5-6 साल से अंदर है। वो मिनिस्टर का बेटा ना, क्या नाम है उसका? हाँ जो भी है उसको ड्रग सप्लाई किया करते थे। हरिदाल जी क्या खूब पहचाना है। वाह भाई वाह यार, अरे असली बाप है। अरे माँ बोल ना। क्या बात है पंडित जी, क्या खानदान ढूंढा है। वाह, और जहाँ तक अय्याशी का मामला है ना, हमारी बेटी तो हमेशा पेज 3 पर ही दिखाई देती है। ये बात आजकल तो जमाना ही ऐसा हो गया है घुंघरू सी, कि आजकल किसी लड़की के 6-8 बॉयफ्रेंड ना हो तो उसे हॉट ही नहीं कंसिडर किया जाता। बात सही है, लेकिन ये हॉट दिखती नहीं है। डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस अंकल जी, यू वांट टू सी? देखा हॉट है कि नहीं ये? माता जी, ये पंडित को क्यों मारा आपने? क्योंकि हमें ऐसा खानदान चाहिए जिस खानदान के दूर दूर के रिश्तेदारों ने भी जेल तो क्या पुलिस स्टेशन की भी शक्ल ना देखी हो। ओके ट्राई बेबी, किसी को लो, ट्राई ओके, कोशिश करो वेरी नाइस बेबी। कमाल कर दिया आप, 2 घंटे से ट्राई कर रहा था मैं, 2 मिनट में करवा दिया। बताओ देखना, जिस लड़की के साथ बिन के शादी होगी ना, बहुत खुश रहेगी वो। ये बेचारा तो कम से हाथ में बैट लिए घूम रहा है, पर कोई बॉल डालने वाला तो मिले? अरे बॉल तो हजारों डाले गए हैं, लेकिन इनके जो मामा है ना डॉक्टर घुंघरू, गजब के अंपायर, हर बॉल नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल। अरे भाई क्यों राजीव को छेड़ रहे हो, इधर आओ सब लोग, केक काटने का वक्त हो गया। चलिए चलो चलो चलो, आइए चलो, आ जाओ मेरे बच्चों को भी समझ। जी ए नो 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 नो, बेटा देखो रॉकेट टेढ़ा है ना, इसकी नाक में घुस सकता है, किसी के घर में घुस सकता है, सीधे करके उड़ाओ से। अरे अंकल ये मेरा रॉकेट है, टेढ़ा चलाऊंगा तो सीधा जाएगा। देखो ये अगर आप सीधा इसे रखोगे तो ये सीधा ही जाएगा। ठीक है लगा देता हूँ। आप वो भी पीछे हटो बेटा। अंकल ले लो कांदे, ले लो आलू, ले लो। अरे कमाल, कमाल का ठोक दिया है कमाल। एक बात नोट कर लो मेरी, इस दुनिया को बहुत बड़ा एक्टर दे रहा हूँ मैं आज। कीप इट अप, शाबाश। अगले शॉट की तैयारी करते हैं, यूनिट आगे ले चलो। हाँ ठीक है चल। वाह भाई साहब कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। संजना तुम कुछ नहीं कहोगे? भैया मुझे तो लग रहा था आपके साथ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कितनी आसानी से सब कुछ हो गया ना। देख हाँ, बड़ा हाँ, कमाल का डायलॉग लिखा। हाँ जी बोली बोली बोली। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना कोई आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में? नहीं मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, वाह। सुबह से ना कोई आलू बिका है, ना कोई कांदा। आधा? हाँ आधा 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 कांदा। आप लोग सामान उतारिए। जी सर। कौन है भाई? जल्दी जल्दी सामान निकल चल। जी सर। आप लोगों में से उदय कौन है?
हेलो मिस्टर उदय, पुरुषोत्तम पप्पू, इस इलाके का म्यूनिसिपल ऑफिसर नया। आपको मालूम तो होगा कि ये घर इलीगल है। मालूम है किसका है? आरडीएक्स का है, और वो कौन है ये भी जानता हूं। कानून नाम की कोई चीज होती है या नहीं? नहीं, डरिए मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, लेकिन आदमी बहुत ही अच्छा हूँ। कानून के दायरे में रहकर ही काम करता हूँ। कोई कीमती सामान पड़ा हो तो निकाल लीजिए, मैं घर तोड़ने जा रहा हूँ। अरे जाओ भाई, तोड़ने को मदद करो। जी जी भाई। Come on guys। सर, मैं भी मदद करूँ। हाँ चलिए। हाँ लिया। क्या बात है उदय भाई, फिल्म के हीरो ने कॉम्प्लेक्स दे दिया क्या? बल्लू। जी भाई। बता जरा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। अरे वो नहीं, मुहूर्त पर क्या हुआ बता। मुहूर्त? अरे वो तो कमाल हो गया। सुनील शेट्टी को निकाल के भाई को हीरो ले लिया डायरेक्टर। बोला सड़क पे से किसी को भी उठाकर स्टार। नहीं 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 नहीं, बोला सड़क पे से किसी को नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े एक्टर को ले रहा हूँ। बहुत ग्रेट डायरेक्टर है वो। और मजनू भाई देखो, भाई का पेपर में फोटो भी आया है। लो लो भाई, ये देख। लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? क्या जल रहा है रे? जल रहा है? क्या जल रहा है? तेरा जल रहा है कुछ? नहीं, मुझे तो बदबू आ रही है। ए मजनू, उड़ जरा, जरा पलट। ए देख, पीछे से धुआं निकल रहा है। ले भाई से पंगा। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है। मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। जब से बुटीक खोला है एक बार भी हिसाब नहीं दिया तुमने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बस। जाओ, मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता हूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर की याद आती है। उड़ाओ मेरा पैसा। हेलो। और गंगरू सेठ, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? चार खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोबड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़, और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, जला डालूंगा अभी। जानता ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई, मजनू भाई, नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने ही तो अभी दो बार बताया, मजनू भाई बोल रहा हूँ, मजनू भाई। तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने, पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ हफ्ता, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू चार खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ, और अगर चार जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर घुंगरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी मां है यार। ए चलो काम बंद करो। ए चल गए, चल। ये क्या हो रहा है? चल। ए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई साहब? हमारे मजनू भाई को तू लैला बनाएगा? निकाल ए घाघरा, निकाल वहां से, निकाल। ए तू चुन्नी निकाल, निकाल निकाल, जल्दी निकाल। अब तो लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई, मजनू भाई गलती हो गई, मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अबे तू क्या समझता मुझे? हाँ भाई, भाई आप ठीक हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल
सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे 5 खोखे चाहिए, समझा? भाई भाई आपने फोन पे तो 4 खोखे बोले थे ना। वो फोन पर बोला था, अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा के तेरा बाप देगा? 1 करोड़ का पेट्रोल भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो 6 खोखे हो जाते। हाँ 6 ही हो जाएगा। कल शाम के 5 बजे तक अगर तूने 5 खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी 3 की फैमिली 6 हो जाएगी, समझा देना इसको। समझा, 3 का 6 कैसे होता? अरे 3 लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे ना, चलो रे। अरे आजिए भाई, वेलकम वेलकम। अरे सुनील शेट्टी भी है? हाँ वही तो हीरो है। राजीव तुम्हारे डायरेक्टर दोस्त से कहकर भैया को सुनील शेट्टी से मिलवाओ ना। अरे इसमें क्या बड़ी बात है ना। देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाउंड स्क्रिप्ट के बगैर मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। अरे स्क्रिप्ट तैयार है भाई। कहाँ है स्क्रिप्ट? यहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनील शेट्टी साहब, उदय शेट्टी, शेट्टी चलर। नमस्कार नमस्कार, यान उदय शेट्टी। अच्छा अच्छा, एक एक करते। नहीं नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आपको शक है मेरी काबिलियत पे? अरे नहीं नहीं सर, आप तो ग्रेट डायरेक्टर हो, जीनियस हो आप, लेकिन मैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कल से आप मेरे साथ शूटिंग कर रहे हैं वरना यू आर आउट ऑफ द फिल्म, दैट्स इट। ठीक है सर, आपकी मर्जी सर। बार बार से ट्राई। नहीं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं छोड़ पा जाऊंगा? अरे जाइए जाइए, हम आपके बिना फिल्म बनेंगे। ये क्या किया आपने, जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी, कहां से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। ए इधर आओ। अरे तुम, हाँ उधर देखो देखो, चश्मा लगा अच्छा लगे। Now you are my hero. मिल गया सर। हैं? सर। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? अरे इन्हें कहाँ एक्टिंग आती है? ये तो अपना बिजनेस है, शूटिंग। यहाँ के नहीं कैमरा है, और इस कैमरे ने आपके अंदर के कलाकार को पहचान लिया है। सही कह रहा हूँ मैं? एक्चुअली मैं बताओ ना। एक्चुअली भैया को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। भाई साहब एक मिनट साइड में आइए, एक्सक्यूज मी। आप क्या कर रहे हैं, इस आदमी को नहीं झेल सकते? क्यों? अरे पागल है, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था सुनील शेट्टी साहब से। मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है, आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। दिखाई नहीं दे रहा तुमको यार? देखो यहाँ घोड़ा रोकना है, उतरना है, चल के आना है, लड़की के बाप से हाथ मांगना है, सिंपल है यार। अरे ये नहीं ना रुकता है, मैं क्या भाई अपने आप नहीं रुकता है घोड़ा, रोकना पड़ता है, लगाम खींचना पड़ती है। चलो एक बार और करते हैं। ए बाबा एक 32 एक्शन, आओ आओ। आगे कहाँ जा रहे हो मुझसे? अबे किधर है बे? कैडेट कहाँ है, कहाँ है आप? मैं इधर इधर हूँ इधर। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं आप बीच में? लड़की का बाप इधर है। ये बाप घोड़ा मान नहीं रहा ना मेरा, मैं क्या करूँ? अरे अरे तो हम भी क्या करें, शूटिंग बंद कर दें। किसको? घोड़े वापस ले जाओ। हेलो आ रहे ना यार, बोला ना आधे घंटे में आ रहे हैं, क्या दिमाग का दही कर रहा है। अब देखना इनकी मीटिंग कैसे कैंसिल होती है। यार वो उदय भाई अभी भी शूटिंग में अटके हुए हैं, तूने डिसलवा को जाने क्यों दिया? आधा घंटा रोक नहीं सकता था क्या? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ से काम चल रहा है, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स यार, रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्टेट का हुआ ट्रेन बने लोग आंधु बांधु बातें कर रहे हैं यार। आप चुप रहिए भाई, जाने दो सर। माने क्यों देते हो ऐसे लोगों को? देख करो मैं, साउंड रेडी है क्या? साउंड 57 एक्शन।
मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ, प्लीज। कट इट यार, कट इट। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या बराबर घुटने पे आया, हाथ मांगा। अभी ऐसे मांगेंगे आप? घोड़ा रुका नहीं, आप गिरते पड़ते हाथ मांगेंगे आप? ऐसे लड़की का हाथ देगा वो? अरे हम पे नहीं, कम से कम घोड़ों पर तो रहम खाओ। प्लीज प्लीज, एक एक शॉट। अरे अरे घोड़ा पकड़ आप। मेरी बात। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में? उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसके ऊपर। बदतमीज गधा। राजीव तुम्हारी बात। ए गधा, किसको बोला? हमारे उदय भाई को। ए बंद करो ये छोटी का नाटक। अबे लाल टमाटर के बीच तू उदय भाई से भीख मंगवाएगा? लोग उनसे भीख मांगते हैं, शादी नहीं करवानी उससे? नहीं भीख मांगने की बात नहीं। उदय भाई का घोड़ा कभी आगे रह गया कभी पीछे रह गया, वो नहीं जा सकते उदय भाई के पास? उठा कहाँ है वो? अरे भागा, किधर है भाई? अरे कहाँ है बुड्ढा? क्या कर रहा है? आपका नाम ही गलत है मजनू जी, बल्कि आपका नाम ऐसे शुरू होना चाहिए। हाँ मेरा असली नाम तो सागर है। देयर वी गो। सागर जी जरा माथे पर चिकन लाइए प्लीज। 18 साल की उम्र में आपका इश्क किसी लड़की के साथ हुआ था? शर्माइए नहीं, ऊपर देखिए जरा और गहरा करिए। यू यू ऐसे। उस लड़की का नाम आई से शुरू होता है, याद आई? इरावती। इरावती संजना, जिस लड़की से इनका प्यार हुआ था उनके भाइयों ने एक बार इनके हाथ पांव तोड़े थे, एम आई राइट? खाली हाथ तोड़े थे, पैर तो दौड़ते दौड़ते गटर में गिरने से टूट गया। दैट्स ऑनेस्टी, दैट्स ऑनेस्टी। बिकॉज ऑफ इरावती आप क्राइम वर्ल्ड में आए, राइट? क्योंकि उनके पिताजी ने कहा कि आप नाम कमाइए पैसा कमाइए, पैसा कमाने के चक्कर में आपने किसी का मर्डर कर दिया और भागते भागते यहाँ पहुंच गए। वो सब तो पिछली बातें हैं राजीव भाई, आगे क्या होगा? वही प्यार अब लौट कर आपकी जिंदगी में वापस आएगा। फिर बच्चों का क्या होगा? कौन बच्चे? उसके 4 बच्चे हैं, अगर वो मेरी जिंदगी में आती है तो उसके बच्चों का क्या होगा राजीव भाई? नहीं नहीं, बच्चे उसके पास ही रहेंगे और इरावती आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। इरावती जैसी लड़की आपकी जिंदगी में वापस आएगी जिसका नाम आई से शुरू होगा। एक मिनट, जरा माथे पर चिकन लाना फिर से। नहीं नहीं डराइए मत, जरा कम। हाँ लो, उसे तो आ जाना चाहिए था। ऑलराइट, एंड नाउ आई प्रेजेंट द पेंटिंग ऑफ अ न्यू आर्टिस्ट मिस्टर सागर। वेल दिस पेंटिंग इज कॉल्ड रॉकिंग horse. We start the bid at $10,000. Well, $14,000. $16,000. $18,000. $22,000. $25,000. 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 $25,000
$50,000 three sold. And this lovely painting is sold to Miss Ishika. Ow! Leila. Thank you. Ishika ji, आपने इस पेंटिंग में ऐसा क्या देखा जो इन लोगों ने नहीं देखा? प्यार। मैं इस पेंटिंग को देखकर ही कह सकती हूँ कि ये आर्टिस्ट बहुत ही प्यारा इंसान है और उसके मन में बहुत सा प्यार भरा है। आई मीन देखिए ना, इन्होंने अपनी पेंटिंग से कितना प्यारा मैसेज दिया है। जी बिल्कुल। कि जब एक जानवर दूसरे जानवर का बोझ उठा सकता है, उसको इतना प्यार कर सकता है, तो हम इंसानों की जिंदगी से प्यार कहाँ खोकर रह गया? कितनी बड़ी बात कह गई आप। I really wish he was here. काश मैं उनसे मिल पाती। अरे अरे इशिका जी, your wish has come true. वो महान कलाकार हम लोगों के बीच में ही है इस वक्त, मिस्टर सागर पांडे। ये तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ। थैंक यू सागर जी, इशिका जी। सुपर, फैंटास्टिक, आई मीन
माइंड ब्लोइंग पेंटिंग सागर, आई होप यू डोंट माइंड मी कॉलिंग यू सागर। नहीं, अच्छा है। वो क्यों माइंड करेंगे? मैंने बहुत बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स खरीदी हैं। इट्स माय पैशन यू नो, लेकिन आपकी पेंटिंग देखकर आई एम योर फैन नाउ। थैंक यू। आई वांट योर ऑटोग्राफ। ये पेन है क्या? सॉरी आज भूल गया भाई। पेंटिंग देखकर मुझे ये लगा था कि किसी बहुत ही मैच्योर इंसान ने बनाई होगी, बट यू क्वाइट यंग। बाय। भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। हेलो। मैं ही बोल रहा हूँ, अच्छा हूँ। और आप? मेरा तो बहुत बुरा हाल है सागर, आपकी ये पेंटिंग मुझे सोने ही नहीं दे रही। आप चाहे मुझे बेशर्मी कहें, but I think I've fallen in love with you। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो मेरे दिल की धड़कन सुन लीजिए। मेरे भी दिल का यही हाल है इशिका, मैं भी तुम्हारे लिए पेंटिंग बना बना के जाग रहा हूँ। मेरे को तुमसे बहुत प्यार हो गया है। छूटे, अपने दिल की धड़कन सुनाओ। ओह माय सागर, यू सो स्वीट। कल मेरा बर्थडे है, व्हाई डोंट वी स्पेंड द इवनिंग टुगेदर, जस्ट यू एंड मी। देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ ने एक लड़का चाहिए। लेकिन पंडित जी कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया? क्या बताता? संजना एयरवेज। हाँ हाँ, संजना एयरलाइंस। संजना टेक्सटाइल्स। हाँ, संजना टेक्सटाइल्स। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है। अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। सर, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ सर। एक नहीं दो, दो सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये पार्टी भी नहीं। सर बहुत बड़ी खुशखबरी है सर, आपके तो एक फोन ने काम कर दिया सर। वो जो धनसुख ज्वेलर का मर्डर केस पर चल रहा था ना सर, वो खत्म हो गया सर। गवाह भी जान गया सर कि अगर उसने आपके खिलाफ गवाही दी तो आप उसके पूरे खानदान को हटा डालेंगे। और बिल्डर ने भी पुलिस कंप्लेन वापस ले ली है, सेटलमेंट करना चाहता है सर। सर 2 करोड़ रुपए तो दे दिए हैं, बाकी के 3 करोड़ कल कोर्ट में देने वाला है सर। सर प्लीज, अब तो माफ कर दो, और कितने दिन दौड़ोगे? क्या उदय भाई, कब से फोन लगा रह रहा हूँ और आप क्या अंबानी को बंद करके बैठे ले हो? आज मैंने एफएम हुसैन का गेम बजा डाला। हाँ भाई, उधर देखो उधर। लगता है इंडिया वाली पार्टी भी भाग गई। भाई एक बात पूछूं? ना पूछ। ये संजना आपकी सगी बहन है? सगी से भी बढ़कर है। हाँ वो तो है, लेकिन सगी सगी है। मैं ऐसा काला कलूटा वो गोरी चिट्टी इसलिए पूछ रहा है ना, शंकर शेट्टी 2 शादी किया मेरा बाप। हाँ बाबा की तो 2 शादी हुई थी, लेकिन अपनी संजना की एक भी नहीं हो रही। एक भी मतलब एक ही करनी है? हाँ वही तो, एक भी तो नहीं हो रही, लेकिन अभी हो जाएगी। आपके प्रॉब्लम का सॉल्व मेरी उस पेंटिंग में। वो लड़के को देख रहे हो? कहाँ है लड़का? अरे वही जो बॉनेट के ऊपर बैठा है। बॉनेट कहाँ है? लड़के के नीचे है। हाँ। लड़का एकदम शरीफ है, शरीफ। ये शरीफ लोग बहुत बदमाश होते हैं, शराफत की जुबान नहीं समझते। हाँ इसीलिए तो। अब ये मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगा, लड़के की कुंडली कल तक मिल जाएगी, और इस शरीफ शाना के घर वालों से मैं अपने स्टाइल में बात करूंगा। आप बीच में मत पड़ना। हाँ तो फिर हो गई शादी।
क्या बात है अंकल, आज बड़े मुस्कुरा रहे। अरे ऐसी जगह रिश्ता तय करके आया हूँ भांजे, सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्यों पंडित जी बताइए। माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट मैन यार शेट्टी साहब। सच पूछो तो शराफत की गंगा तो उनके बंगले से ही बहती है। शराफत की गंगा नहीं बहती है, खून की नदी बहती है। गोलियों से सुबह की शुरुआत होती है, गोलियों की गूंज से सरजी, और रात में जब तक 10-12 को लुड़का ना देना, खत्म नहीं होती रात उनकी। क्या बकवास कर रहे हैं? कसम शेट्टी साहब डॉन है। डॉन? हाँ। गॉडफादर? परमात्मा? मजनू और शेट्टी साहब दोनों ने मिलकर फंसाया है आपको अपनी बहन के लिए, समझते नहीं। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, क्या करूँ मैं? अरे क्या हुआ मामी? अरे मामी को छोड़ो, मामा आता है। मामा मामा के, मामा 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 सेफ है, सेफ है। मामा क्या करूँ भाई, ये ब्रेक मार, कहाँ से ब्रेक मारूँ, ब्रेक फेल है, ब्रेक फेल है, मेरा हाथ फेल हो जाएगा। मम्मी मम्मी मैं कुछ करूँ। तुम लोगों को ब्रेक फेल हो गया है। हटो 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 अपने नहीं उनके पकड़ो। क्या कर रहा है तू? मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। भांजे कुछ कर। बाबा जी फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गाड़ी को टो कर रहा हूँ मामा जी। गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, अरे गाड़ी रोक। लकी मुझसे बात करो, लकी लकी टॉक टू मी, मुझसे बात करो लकी, मुझसे बात करो, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में लकी। लकी मेरे बच्चे। नहीं अंकल, आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि क्योंकि यही लकी की आखिरी इच्छा थी सर। आखिरी इच्छा? मगर ऐसा क्यों कहा लकी ने? क्यों कहा? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। हम कभी आपसे झूठ बोल सकते हैं क्या? हम पर भरोसा नहीं है सर। इधर ही आया। क्या हुआ? आपके मामा जी बहुत ग्रेट हैं।
हम सब की मुसीबत अपने सर ले ली। वो देखो अंकल, अंकल कंट्रोल राजीव, कंट्रोल। ये हमारे बेटे को अंकल क्यों कह रहा है? बेटे को नहीं, आपको अंकल बोल रहा है सर। वो अंकल जी को क्या हो गया? राजीव संभाल, क्या हो गया अंकल जी? मगर इतना रो क्यों रहा है? ये लकी का बहुत अच्छा बीड़ू हो गया था सर। बीड़ू इंग्लिश में बोले तो बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। मैं उसको समझा के आता हूँ। राजीव ना, ना मुन्ना, अरे जिंदा है, जिंदा है। अरे कौन जिंदा है? लकी, लकी हमारे हमारे दिलों में जिंदा है, ये हमारे दिलों में जिंदा है। तेरा मामा जिंदा है, समझ जा तू। लकी कहाँ? लकी कहाँ है? कहाँ? यही कहीं छुपा है। कौन? लकी। मशरूम उदय जी सर, ये लकड़ियां क्यों गिर रही हैं? अब तो चिता भी डेड बॉडी को बुला रही है। जी सर, कंट्रोल। ए राम, मर गया। साइड प्लीज। आराम से मामी, आराम से, आराम से। संभालो, संभालो। मामी आ गई। शर्म नहीं आई तुझे? पायल, मुझे बिन बताए इनका अंतिम संस्कार करने चला था तू। वो मुझे इशारा करता है, कह रहा कि चुप रहो। अरे कम से कम आज के दिन तो मुझे रोने दे। बर्बाद हो गई मैं, बर्बाद हो गई। ये औरत ने अपनी चूड़ियां क्यों तोड़ ली? बर्बाद हो गई। ये कौन है? ये 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 डेड बॉडी की बीवी है सर। डेड बॉडी की बीवी है? लेकिन लगे ने शादी कब की? हमें बताया क्यों नहीं? शायद ये राज भी इसी के साथ चला। ये राज अपने राजीव को जरूर मालूम होगा सर। हाँ, राजीव भाई आप ही बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। यही कि ये लड़की अच्छे घराने की है। अब ये दोनों ने शादी कर ली। लड़की के माँ बाप ने ये शर्त रखी कि लड़के का बाप यानी कि आप अंडरवर्ल्ड की नौकरी जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आपस में शादी के बाद भी मिल नहीं सकते। बराबर, इससे ज्यादा क्या बोल सकता। बस चल राजू। सॉरी अभी अंकल जी उसको जी सर उठाए, उसे ले चले। अंकल संभाल के। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये क्या सचमुच जलाने लेके जा रहे हो? सत्य है, आपको कवर कर ली, जल्दी निकलो 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 निकलो। राम नाम, चल 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 चल। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सर। ये जिंदा है इशिका, देखो ये जिंदा है। This is called true love. Poor woman. लकी के प्यार ने इसे पागल कर दिया है। लकी? कौन लकी? अंकल जी, अंकल जी चिता को आग दीजिए और हम लोगों को फ्री कीजिए प्लीज। Miracle! 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 Come on, come on!